नमस्ते, मैं नवीन देवघर महाविद्यालय में समाजशास्त्र का इंटरमीडिएट प्राध्यापक। आज मैं आपको कम्युनिटी, जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आपको ग्रामीण समुदाय के विषय में बताया था, आज मैं आपको नगरीय समुदाय के बारे में बताने जा रहा हूँ। नगरीय समुदाय और ग्रामीण समुदाय में बहुत अंतर होता है, बहुत सारी आपको डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। उसमें से आप नगरीय समुदाय को इस प्रकार से समझ सकते हैं, उनके द्वारा ये मेरे द्वारा कुछ लिखा गया है विशेषताएं, डिफरेंशिएशन कि कैसे जो है सो नगरीय समुदाय की क्या क्या विशेषताएं होती है और ग्रामीण समुदाय का कल मैंने पढ़ाया था उनकी क्या क्या विशेषताएं होती है। तो मैं आपको नगरीय समुदाय के विषय में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट जो है वो सामाजिक असमानता। सामाजिक असमानता का मतलब है कि नगरीय समुदाय में जनसंख्या का घनत्व इतना हो जाता है कि अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार के कई वर्गों में डिवाइड हो जाते हैं, जिससे कि वो समान नहीं हो पाते हैं। उनमें अधिकतर असमानता पाई जाती है, असमान होते हैं वो। दूसरा जो पॉइंट है वो व्यक्तिवादिता का महत्व। व्यक्तिवादिता यानी कि सेल्फनेस, सेल्फ नेस पीपुल जो है यहाँ ज़्यादा देखने को मिलेंगे, स्वार्थ परक व्यक्ति, उसको सिर्फ अपने से मतलब होता है, दूसरों से मतलब नहीं होता है। यहाँ पर जो संबंध पाया जाता है वो भी जो है वो दूसरे द्वितीय प्रकार का संबंध पाया जाता है। एक प्रथम प्रकार का संबंध, प्राथमिक संबंध नहीं होता है, यहाँ पर द्वितीय संबंध पाया जाता है, इसलिए व्यक्तिवादिता का महत्व ज़्यादा बढ़ जाता है। तीसरा पॉइंट है औपचारिक नियंत्रण, औपचारिक नियंत्रण के साधनों का प्रयोग, औपचारिक नियंत्रण के साधनों का प्रयोग। कहने का मतलब है कि समाज में जो सामाजिक नियंत्रण होता है, जैसे गांवों में होता है, वहां पर है कस्टम्स है, वैल्यू है, नॉर्म्स है, फॉकवेज है, ये कई प्रकार के हैं जो कि बगैर कानून के वहां पर कानून के द्वारा, समाज के द्वारा कानून का पालन करवाया जाता है ग्रामीण में। लेकिन नगरों में क्या है कि नगर में आपका औपचारिक नियंत्रण साधन है, यानी कि कानून, प्रशासन, पुलिस, ये सब के द्वारा आपको शहरों का समाज जो है नियंत्रित होता है, ठीक है, औपचारिक नियंत्रण। अब यह है क्या द्वितीय संबंधों की प्रधानता, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि नगरों में जो संबंध पाए जाते हैं वो द्वितीय संबंध होता है, प्राथमिक संबंध नहीं होता है एक दूसरे से। औपचारिक संबंधता जो होती है गांव में जो होती है संबंध देखने को मिलता है, वो आपको नगरों में नहीं देखने को मिलता है, यहाँ द्वितीय संबंध पाया जाता है। और व्यावसायिक विविधता और प्रतिस्पर्धा की अधिकता, नगरों में व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा इसलिए बढ़ जाती है कि यहाँ पर औद्योगिक नीति के द्वारा उद्योग वगैरह लगाए जाते हैं, जिससे कि सारे लोग क्या होता है प्रतिस्पर्धा में लगे रहते हैं, कंपटीशन के अवस्था में लगे हुए रहते हैं और ये कॉम्पिटिटिव भावना से आगे बढ़ते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या है ये इसकी अधिकता हो जाती है। व्यवसाय विभिन्न प्रकार का हो जाता है और कंपटीशन की ये बना हुआ रहता है उसमें भावना। और जो तीसरा है सामाजिक गतिशीलता, छठा पॉइंट है सामाजिक गतिशीलता। यहाँ का समाज जो है नगरों का समाज गतिशील होता है, वो कुछ ना कुछ काम करते रहता है, आगे बढ़ते रहता है और हर हमेशा अपने आप को कुछ अर्निंग मेंबर के रूप में जानने की, पहचानने की कोशिश करता है। यहाँ पर पूंजीपतियों का युग हो जाता है, पूंजीपति अपने आप को और पूंजी इकट्ठा करने में लगे हुए रहते हैं, इसलिए यहाँ का जो समाज है वो गतिशील होता है। सोशल मोबिलिटी एक चैप्टर है, वो आगे पढ़ाएंगे, वो इस प्रकार का होते रहता है। और एक अब है जो लास्ट पॉइंट है वो है बसावट का नियोजित ढंग, यानी कि बसने का तरीका। अब जो समाज जो नगरों में बनाया जा रहा है, अब क्या है कि अब प्रशासन और जो यहाँ का जो सिस्टमेटिक जो तरीका है, जो बसाने वाले लोग हैं, अब जो है सो थोड़ा सा ध्यान रख रहे हैं कि शहरों की जो बसने का जो तरीका हो वो बढ़िया हो, थोड़ा रोड चौड़ी हो और सड़क चौड़ी होनी चाहिए, मकान एक जैसा होना चाहिए, गली हो, नाला हो, ये सब देखा जा रहा है और बढ़िया से बसावट के लिए नियोजित ढंग से बसाया जा रहा है शहरों को। और इसके तहत मैंने आपको कल पढ़ाया था नगरों ग्रामीण का और आज मैंने पढ़ाया नगर का, इसलिए दोनों में अंतर है
विशेषताओं को देखकर आप अंतर का अंदाजा लगा सकते हैं। कल मैं जनजातीय समुदाय की विशेषताएं पढ़ा दूंगा, इस तरह से मैं आपको डेली रूबरू कराता जाऊंगा कुछ न कुछ नए चैप्टरों के साथ। धन्यवाद।